ब्लॉग वीडियो कितने मिनट का बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ये कमेंट आ रही है कि सर हम ब्लॉग वीडियो कितने मिनट का बनाएं या कितने मिनट का बनाना चाहिए। बहुत से लोगों की ये कमेंट आ रही है। सो आज की वीडियो देखने के बाद से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमको हमारी ब्लॉग वीडियो जो बनाने वाले हैं कितना मिनट का बनाना चाहिए। सो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक छोटा सा बात कहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ रही है भाई तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, जैसे हर वीडियो में मैं समझाता हूँ बताता हूँ और आप लोग अच्छे से समझ भी जाते हैं, कमेंट भी करते हैं कि भैया आपका बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समझ भी गया और बना भी रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और आज की भी वीडियो में वैसे ही मैं बताने वाला हूँ, उसी आसान भाषा में बताने वाला हूँ आपको, ताकि आप समझ सके, आपको बार बार ऐसी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी ब्लॉग वीडियो जो बना रहे हैं तो वो तो आप किसी कागज़ पे या किसी नोटबुक पे आप नोट करके नहीं रखते हो ना। मतलब मेरे कहने का मतलब, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता जो ब्लॉग होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है कि जिसमें आप लिखे हैं लाइन बाय लाइन, पहले लाइन मुझे ये बोलना है, दूसरी लाइन ये बोलना है, तीसरी लाइन ये बोलना है, चौथी लाइन ये बोलना है, ऐसे लिख के तो नहीं रखे होते ना। हाँ, अगर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत प्रोफेशनल टाइप के ब्लॉग वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट कर सकते, लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर लोग जो ब्लॉग बनाते हैं ना, बिना स्क्रिप्ट के ही बनाते हैं। मतलब ब्लॉग में कोई स्क्रिप्ट होता ही नहीं है भाई। अब उसमें आप कोई कुछ ऐसा सीन, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे में जब स्क्रिप्टेड नहीं होता है तो इसमें टाइमिंग हम कैसे सेट करें भाई, कितना मिनट का हमारी ब्लॉग होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम कन्फ्यूजन, भाई हमारी ब्लॉग कितना मिनट का बनाऊँ यार, 2 मिनट का बनाऊँ, 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे हम सोचने लगते हैं कि भाई हमको हमारी ब्लॉग वीडियो जो है हमको कितनी मिनट की बनानी चाहिए, कैसे हम बनाएं, कितना मिनट का बनाएं, सोच में हम पड़ जाते हैं भाई। कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लॉग तो बनाने लग जाते हैं और बनाते बनाते पता चलता है हमारा ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक की हो जाती है, और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है समझ में नहीं आता अब इसको हम क्या करें, और कभी कभी नॉर्मल भी हो जाता है, मतलब 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके हो जाता है। ऐसे में हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमको हमारी ब्लॉग कितनी मिनट का बनाना चाहिए भाई, ये मतलब घबराहट सी हो जाती है और कन्फ्यूजन रह जाती है और उसी को लेकर परेशान रहते हैं। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल के आपकी ब्लॉग जो है स्क्रिप्टेड नहीं है तो इसमें कोई आप टाइमिंग सेट नहीं कर सकते। हाँ, एक ब्लॉग की लिमिट रख सकते हैं कि हमको अपनी ब्लॉग कितने तक का बनाना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताऊँ आसान तरीके से, तो आप अपनी जो ब्लॉग बनाने वाले हैं ना, देखिए जैसे कि आप खाना खाते हैं, छोड़िए खाना खाते हैं, ये छोड़िए, ये शब्द छोड़िए, आप जो ब्लॉग बनाने वाले हैं और आप नहाने जाते हैं, ठीक है, नहाने जाते हैं ना, बाथरूम में नहाने जाते हैं, और नहाने जाते हैं तो वहाँ पर आप कपड़ा लेते होंगे, सारा मटेरियल लेते होंगे, जो भी शैम्पू साबुन जो भी होता होगा आप लेते होंगे, पानी लेते होंगे, फिर उसके बाद से साबुन लगाते होंगे, शैम्पू लगाते होंगे, उसके बाद से स्नान करते होंगे और नहाने के बाद से आप कपड़ा वपड़ा फ्रेश करते होंगे। ठीक है, करते हैं ना, आप आधा अधूरा साबुन लगा के पानी बिना नहाए नहीं ना भाग के वहाँ से चले जाते हैं ना, आप साबुन लगाते होंगे तो पानी तो गिराते ही होंगे अपने शरीर पर, नहाते होंगे, फ्रेश होते होंगे साबुन, ताकि आपके शरीर से हट जाए, ऐसा करते हैं ना आप। ऐसा नहीं ना करते हैं कि पानी साबुन लगा लिया और पानी से नहाया ही नहीं, साबुन से ही, मतलब साबुन के साथ ही अपने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं ना करते हैं। सेम यही प्रोसेस आपको अपनी ब्लॉग में अप्लाई करनी है। अब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जो कि मैं आपको आसान तरीके से समझाया, जैसे कि आप नहाने जाते हैं तो आप पूरे यार अपना मटेरियल लेके जाते हैं, जो भी आप यूज करने वाले होते हैं, जैसे कि शैम्पू लगाने वाले होते हैं, साबुन लगाने वाले होते हैं, कोई भी क्रीम पाउडर तेल साबुन जो भी होता है आप लेके जाते हैं, साथ में नहाते हैं, नहाने के बाद से फ्रेश होते हैं, उसके बाद से पूरा अपना ड्रेस वगैरह कपड़ा वगैरह पहन के रेडी हो जाते हैं, होते हैं ना, इतना सारा काम करने के बाद से आपकी नहाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। वही प्रोसेस आपको अपनी ब्लॉग में भी अप्लाई करनी होती है भाई। देखिए, अब ब्लॉग का मतलब ये नहीं कि आपने ब्लॉग स्टार्टिंग किया कि हेलो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आप पता चला आप जा रहे हैं तो उसका सीन रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप सिर्फ जहाँ गए वहाँ का रिकॉर्ड कर लिया, भाई ऐसा नहीं। आपको अपनी जो ब्लॉग बनाने वाले हैं इसमें देखिए टाइमिंग आप सेट तो कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग सेट तभी हो पाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी ब्लॉग जो है ना, जैसे अभी बताया कि नहाने गए तो आप पूरा प्रक्रिया, आपने शैम्पू साबुन सारा कुछ लेकर गए, नहाने के बाद नहावा के रेडी हो गए, ड्रेस पहन लिए, ठीक है, वही चीज़ इसमें फॉलो करना है। जैसे आप अपनी जो ब्लॉग बना रहे हैं और जो दिखाने वाले हैं, आप अपने माइंड में क्रिएट कुछ करके रखेंगे कि आज मुझे मेरी ब्लॉग में ये चीज़ दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा, या
आज मैं ब्लॉग में वो दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा, मस्त ब्लॉग बनाऊंगा, ऐसा हम कुछ सोच रखे होते माइंड में, ठीक है, ब्लॉग बनाने से पहले सोच रखे होते हैं और फिर हम ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये बताइए, जब ब्लॉग शूट करते हैं तो आप आधा सीन दिखाएंगे या पूरा सीन दिखाएंगे ब्लॉग में? पूरा दिखाएंगे ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, पूरा सीन दिखाने के लिए आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं उसे, मतलब शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे क्लिप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और उसी को रिकॉर्ड करके, यानी आप अपनी ब्लॉग जो दिखाना चाहते हो अपनी ब्लॉग में, जो आप कर रहे हो अपनी ब्लॉग में, जो आप आज पूरा दिन दिखाना चाहते हो ब्लॉग शूट करके, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। चाहे आपकी ब्लॉग 1 मिनट की रिकॉर्ड हो रही है, चाहे आपकी ब्लॉग 30 मिनट की रिकॉर्ड हो रही है, चाहे 50 मिनट की, अपनी ब्लॉग को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सारी चीज़ जो भी आप दिखाना चाहते हो, जो भी आपकी फीलिंग है शेयर करना चाहते हैं अपनी ब्लॉग के माध्यम से, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के बाद से आपकी ब्लॉग कितना हो मिनट का हो, यहाँ पे उससे नहीं मतलब है, आपने कितना मिनट का रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिकॉर्ड हो जाए, अब आपको अपनी ब्लॉग उन सारी क्लिप्स को देखना है, अब ये सोचना है कि मेरी क्लिप्स कहाँ कहाँ से मैच लगाऊं कि मैच करे, और उसके बाद से हम उसको ऐड करके, और उसमें से जो भी फालतू वगैरह पार्ट है जो हम नहीं दिखाना चाहते, जो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं मैच करेगा और देखने में भी लोगों को इंटरेस्टिंग है, मतलब लोगों के इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आपको वही क्लिप लेना है और फिर उसको जो भी फालतू पार्ट रहेगा कट करके निकाल देना है, और आपका ब्लॉग जितना मिनट का हो रहा है, जैसे कि आपने 20 मिनट का ब्लॉग बनाया, शूट किया और उसको एडिट किया, तो आपका ब्लॉग हुआ 15 मिनट या 10 मिनट का हुआ या 5 मिनट का हुआ, जितना मिनट का हो रहा है वही आपका ब्लॉग है, उतना ही मिनट का आपकी अपनी ब्लॉग बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किससे हम कह दें कि आप अपनी ब्लॉग को 5 मिनट का बनाएं, ठीक है भाई, 5 मिनट का नहीं जरूरी है। यहाँ पे जरूरी है कि आप अपनी ब्लॉग में दिखाने वाले क्या हैं और वो दिखा रहे हैं सही से कि नहीं दिखाए। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को जो दिखाने वाले उसको दिखाए भाई। आप 5 मिनट के चक्कर में, अगर आपके 5 मिनट, मान लीजिए आप 5 मिनट का ब्लॉग बना, हमने कह दिया कि आप 5 मिनट का ब्लॉग बनाइए, ठीक है, आप 5 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे और आप 5 मिनट से अधिक का कुछ दिखाने वाले थे, आपका 5 मिनट का ब्लॉग हो गया पूरा, और मान लीजिए आपका 6 मिनट में पूरा ब्लॉग खत्म होने वाला था, तो 5 मिनट का रिकॉर्ड करके रखेंगे नहीं ना। यहाँ पे आपको 6 मिनट की अपनी ब्लॉग शूट करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी आप अपनी ब्लॉग को शूट कीजिए, जो भी शूट करना है उसको शूट कीजिए, जितना मिनट का हो रहा है वही आपका ब्लॉग है, उतना ही मिनट का आपका ब्लॉग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लॉग, अगर मान लीजिए आपका ब्लॉग जो है पूरा दिन का शूट किए, 3 मिनट का ब्लॉग हुआ, तो वही आपकी टाइमिंग है, 3 मिनट का ही रखें, जो भी फालतू पड़े उसको निकाल दीजिए, बस इसमें कोई टाइमिंग सेट नहीं होता भाई कि आपकी ब्लॉग 2 मिनट का शूट करे। बहुत से लोग कहते हैं कि 1 मिनट का बनाए, बहुत से लोग कहते हैं 2 मिनट का, बहुत से लोग 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे कहते हैं। नहीं भाई, इसमें जो हम दिखाने वाले हैं उसको हम पूरा दिखा लेते हैं, हमारी ब्लॉग एंड हो जाती है, तो समझो हमारी टाइमिंग वही है, जो भी हम डेली अपना करके दिखाते हैं ना ब्लॉग में वही चीज़ हमारी होती है, यानी वही हमारी टाइमिंग होती है, जितना मिनट का शूट है वो हमारी टाइमिंग है, वही हमारा ब्लॉग है, उतना ही मिनट का हमारा ब्लॉग बनना चाहिए, ठीक है। अब उसमें से जो भी फालतू पार्ट है उसे कट करके निकाल देना है, और जितना मिनट का हो रहा है वो हमारी ब्लॉग की टाइमिंग है, उसी को हम अपना ब्लॉग बनाएंगे। ये नहीं कि उसको काट उट के डिलीट करके पूरा हम अकड़ बकड़ इधर उधर की पार्ट ले ली और थोड़े से पार्ट को दिखा दिया 4 मिनट के किसी कहने पे कि भाई 2 मिनट की ब्लॉग बनानी चाहिए, और हमने 10 मिनट की वीडियो शूट की उसमें से 2 मिनट दिखा दिया, तो भाई ये हमारी ब्लॉग को पसंद करेगा नहीं ना पसंद करेगा। तो जो हम लाइन बाय लाइन करते हैं ना उसको अगर लाइन बाय लाइन दिखाएंगे भी तो लोगों को पसंद आएगी, और कुछ मसालेदार इंटरेस्टिंग बातों के साथ, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पता चल गया हो कि हमारी ब्लॉग वीडियो जो है ना कितने मिनट की बनाना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।